आज के इस वीडियो में हम लोग एक अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, और जो एक्सपेरिमेंट का जो नाम है, जो ऑब्जेक्ट है, वो है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना। यानी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना होती है, इसका प्रयोग करके हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बाई एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। तो पहले थोड़ा सा सेटअप के बारे में देख लीजिए, और इसका ये सर्किट कनेक्शन भी मैं दिखा देता हूँ, तो फिर आपको इसको क्रम से मैं पूरा थ्योरी और ये एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस पूरा स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये LED लाइट सोर्स है। इस LED लाइट सोर्स से लाइट निकलेगा और ये इस बॉक्स पे, सेकेंड वाले बॉक्स पे जाएगा। ठीक है, और ये ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे, ये पोटेंशियल और ये करंट मेजर करने के लिए है। तो मैं अब आपको थोड़ा ये पास से दिखाता हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये जो बॉक्स है, ये जो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये LED बल्ब इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ये LED बल्ब इस बॉक्स में लगा हुआ है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, इस LED बल्ब से देखिए यहाँ पर ये रोशनी निकलेगा, ये LED बल्ब से। ठीक, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो ये जो लाइट इस LED से निकलेगा, ये लाइट इस स्लिट के माध्यम से इस दूसरे बॉक्स में जाएगा। ठीक है, और इस दूसरे बॉक्स के अंदर एक मेटल है, धातु है, और उसी धातु पे जाके गिरेगा। तो अब आप जानते हैं कि जब भी प्रकाश, एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश एक धातु पे गिरता है, तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल देगा, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, जब एक लाइट एक निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा, उस आवृत्ति को हम लोग थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति कहते हैं, उससे ज़्यादा का प्रकाश इस धातु पे जाके गिरेगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, तो जिसके कारण हमें एक करेंट मिलेगा। और इसीलिए ये देखिए यहाँ पर जो ये दो टर्मिनल दिया गया है, इस टर्मिनल से ये फोटो करेंट मापने के लिए, ये एक, ये रेड और ये ब्लैक वायर, ये इस ऑपरेटर्स के नीचे से आया है। तो ये रेड वाला यहाँ पे और ये ब्लैक वाला यहाँ पे मैंने इसे जोड़ दिया है। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ सर्किट। पहले आप ये समझिए कि इससे लाइट चला और इसमें जो धातु है उस धातु पे जाके गिरा, धातु में से इलेक्ट्रॉन निकले। अब वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर भागेंगे, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर भागेंगे, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जैसे ही पहुंचेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको परिपथ में एक करेंट मिलेगा। वो करेंट चूँकि इन्हीं निकले हुए धातु से निकले हुए इलेक्ट्रॉन के कारण है, और धातु से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो उस करंट को हम लोग फोटो करंट बोलते हैं। अब वो फोटो करंट मापने के लिए यहाँ पे इस ऑपरेटर्स में यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वो फोटो करंट बताएगा कि कितना परिपथ में फोटो करंट है। और यहाँ पे वो जो वोल्टेज दिया गया है, वो सर्किट के इलेक्ट्रोड्स को, यहाँ पे वो वोल्टेज बताएगा। तो इसमें एक्चुअल में हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर भाग रहे हैं, उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग निगेटिव में वोल्टेज देंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन को रोका जा सके, स्टॉप किया जा सके, और यहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाए। तो जब ये करंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो जितने वोल्टेज में ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, वही हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। अभी मैं इसको पूरा थ्योरी से आपको समझा रहा हूँ। पहले आप लोग ये ऑपरेटर सेटअप देख लीजिए, और ये एक बार इसका सर्किट कनेक्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये सर्किट कनेक्शन है, फाइल वर्क। अभी पहले सर्किट कनेक्शन दिखा देता हूँ, फाइल बाद में दिखाऊंगा, फाइल वर्क। ये देखिए, यहाँ से ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये मेटल है, इसी पे ये लाइट गिर रहा है। तो ये हमारा ये मेटल हो गया, ये लाइट गिर रहा है। अब इसका जो है ये जो टर्मिनल जो है, एक एक टर्मिनल देखिएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव वाला सिरा, ये आके ये माइक्रो एमीटर के माइनस, माइक्रो एमीटर नहीं, यहाँ पे एमीटर ही लगा है, तो वो जितना भी करंट बता रहा है वो एमीटर एम्पियर में ही मेरे ख्याल से बताएगा, हाँ एम्पियर ही है। तो यानी जो नेगेटिव वाला सिरा है वो इसके माइनस थे। तो देखिए यहाँ से ये सिरा जो ब्लैक वाला है, वो मैंने नेगेटिव वाला लिया, तो ये ब्लैक वाला देखिए इसके यहाँ पे ये ब्लैक वाले से आके ये जुड़ गया है। अब इसका जो है यहाँ से ये देखिए, ये दूसरा सिरा यहाँ से होके जा रहा है कहाँ पे, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, और ये बैटरी इसी में, इसके अंदर ही इनबिल्ट है, तो आपको इसका फिक्र नहीं करना है। तो ये देखिए, ये दूसरा सिरा यहाँ से शुरू हुआ है, इसका प्लस वाला, और यहाँ ये वोल्ट मीटर के ये रेड वाले में चला गया। तो ये सर्किट हमारा इतना ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका नेगेटिव वापस उसी मेटल बॉक्स में चला गया है। तो ये देखिए, ये इसका नेगेटिव यहाँ से ये रेड वाला शुरू हुआ है, और ये वापस इसी के यहाँ से चला गया है, और ये इस प्रकार से ये सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
तो ये आपने यहाँ से पूरा ये सर्किट कनेक्शन देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये एक्सपेरिमेंट आपको और क्लैरिटी हो पाए कि इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में करना है, फिर हम लोग फाइल वर्क पर वापस आएंगे। देखिए यहाँ पे समझिए कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। ये एक धातु है, धातु का सरफेस है, यहाँ पे ये लाइट आके गिरा, तो चूंकि यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो प्रकाश है वो कण प्रकृति यानी फोटोन की तरफ बिहेव करता है, तो उसकी एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है, न्यू क्या है, ये जो प्रकाश गिर रहा है उसकी आवृत्ति है, तो इसकी आवृत्ति चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में कई फिल्टर दिए रहते हैं, अभी हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे समझिए बेसिक थ्योरी। तो यहाँ पे ये लाइट यहाँ पे आके इस सरफेस पे गिरा मेटल पे, तो उसमें से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो जब इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ पे पहले शुरू शुरू में ही इलेक्ट्रॉन तुरंत नहीं निकलेगा, कुछ एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से आज़ाद कराने के लिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन को पहले मेटल में जो वो, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो मेटल के अंदर है, तो मेटल के अंदर है तो जो मेटल के जो अणु होंगे उसमें जो नाभिक होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को बांधे रहता है। तो इस बाहर वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से आज़ाद कराने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होती है उसको उसका वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उस मेटल के सरफेस से जस्ट निकालने के लिए जितना ऊर्जा होती है वो होता है वर्क फंक्शन। और यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन अब निकलेगा तो मान लीजिए और लाइट के पास एनर्जी है तो बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अब देखिए नहीं समझ में आया तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए एक बार एग्जाम्पल से। तो समझिए ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल से, मान लीजिए जो प्रकाश है उसके पास 100 यूनिट की एनर्जी है, कितनी एनर्जी है 100 यूनिट की, और जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधा है तो मान लीजिए उसको आकर्षण बल से आज़ाद कराने के लिए मुझे 20 यूनिट एनर्जी की ज़रूरत है। तो अब ये 100 यूनिट एनर्जी का जो फोटोन है लाइट है आके ये मेटल से टकराया, अब 20 यूनिट की एनर्जी खर्च हो जाएगी इसको आज़ाद करने में, और फिर बची हुई जो 80 यूनिट की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ा देगी। तो यहाँ पे देखिए ये इस लाइट की टोटल एनर्जी हो गई, ये जो 20 है, जो 20 यूनिट एनर्जी है वो क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया इस मेटल का, और बाकी जो 80 यूनिट का एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में काम आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो एनर्जी यानी 100 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 20 प्लस 80 काइनेटिक एनर्जी में चला गया। अब समझ रहे हैं ना, 100 यूनिट एनर्जी लेके लाइट आया है तो पहले उस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन को निकालने से पहले इलेक्ट्रॉन चूंकि नाभिक के आकर्षण बल से बंधा है तो उसको खींचने के लिए भी तो कुछ ऊर्जा देना होगा, तब ना वो निकलेगा। तो जितनी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है केवल उस अट्रैक्शन फोर्स के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन को आज़ाद कराने में, वो वर्क फंक्शन कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गया, वो मेटल सरफेस से बाहर निकल गया, तो अब जो लाइट की बची हुई ऊर्जा है वो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाएगी। तो यहाँ पे देखिए E बराबर एच न्यू हो गया, वर्क फंक्शन को हम लोग लिखते हैं एच न्यू नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एमवी स्क्वायर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ता है तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जरा निकालिए, हाफ एमवी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ पे देखिए फाई जो है वो वर्क फंक्शन है और वर्क फंक्शन को लिखते हैं एच न्यू नॉट, एच जो है प्लैंक कॉन्स्टेंट है, न्यू नॉट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। जब तक जो लाइट इस पे गिर रहा है इसकी आवृत्ति न्यू नॉट से अधिक नहीं होगी तब तक कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं सरफेस से। इस इक्वेशन से देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ एच कॉमन ले लीजिए तो न्यू माइनस न्यू नॉट बचेगा, तो अगर जो प्रकाश की आवृत्ति न्यू है वो न्यू नॉट से कम होगी तो ये देखिए हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो बराबर वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आ गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नेगेटिव में है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से निकला ही नहीं, वो मेटल के अंदर ही फंसा है। तो आपको इस काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव लाने के लिए ये वाला फैक्टर इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी न्यू का मान जो है, न्यू का मान हमेशा न्यू नॉट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पाएगा। समझ में आया, ये जनरल थ्योरी हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे,
अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है और वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल इलुस्ट्रेशन एक अलग नज़रिए से समझिए। ये देखिए यहाँ पे ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में ये मेटल है, ये वही मेटल है यहाँ पे जो मैंने ये लिया हुआ है, ये ध्यान दीजिए क्योंकि अब आगे का पार्ट समझाने के लिए मुझे डायग्राम बदलना होगा। ये जो मेटल जिस पे ये लाइट गिर रहा है वही मेटल है, तो इस मेटल का एक इलेक्ट्रोड बना दिया गया, इस पे ये लाइट यहाँ से एच न्यू ऊर्जा का लाइट आके गिरा तो इसमें से क्या निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा से किधर भागेगा, इस निगेटिव इलेक्ट्रोड। सुनिए पहले ये पॉजिटिव लिया जाता है, जैसे नॉर्मल वे में पॉजिटिव लिए तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा और आपको इस सर्किट में एक धारा मिलेगा और उसी धारा को हम लोग यहाँ से एक मिलीएमीटर लगा के माप लेंगे। इसमें मैंने मिलीएमीटर नहीं बनाया है, भूल गए, कोई ज़रूरत भी नहीं है इसमें, इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमें इसमें मेनली क्या चाहिए होता है कि अब सोचिए जरा कि ये इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा लेके इस मेटल से यहाँ तक पहुँचा, तो हमें इसके इस ऊर्जा को मेजर करना है कि इसके पास कितनी गतिज ऊर्जा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे शुरू शुरू में हमने आपको क्या बताया था कि देखिए ये कितना ऊर्जा लेके आया था, 100 यूनिट। ये मेटल सरफेस कितना ऊर्जा खा गया था, 20 यूनिट, यही इसका वर्क फंक्शन था। बाकी 80 यूनिट का ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ इस इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है, तो हमें इस ऊर्जा को एक तरह से मापना है कि इसके पास कितनी गतिज ऊर्जा है। तो एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को जो ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर दीजिए और यहाँ पे एक बैटरी लगा दीजिए और अब इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाइए, तो ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये 80 यूनिट ऊर्जा लेके इसके तरफ दौड़ रहा है, तो ये मैंने माइनस में अब इसको वोल्टेज दे दिया तो अब ये इस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगा, तो अब क्या है, मैं इसका वोल्टेज बढ़ाते रहूंगा तो वो वोल्टेज इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फाइनली यहाँ पे न पहुँचे और रुक जाए इसके लिए हमें इसको कितना ऊर्जा देना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोड को हमें 80 यूनिट अगर ऊर्जा, मैं 80 यूनिट ऊर्जा इस इलेक्ट्रोड को निगेटिव में दे दूँ तो वो इस इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, दोनों की ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा ये बाहर से दी गई बैटरी की ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। और बैटरी से जो ऊर्जा दी जाती है उसको हम लोग किस टर्म्स में लिखते हैं, ई वी नॉट, इतनी एनर्जी दी गई है, ये भी एनर्जी है लेकिन बैटरी द्वारा दिया गया एनर्जी है। वी नॉट क्या है, इसका पोटेंशियल। मान लीजिए जैसे ही बैटरी का पोटेंशियल वी नॉट हो जाता है तो ई इंटू वी नॉट यानी बैटरी द्वारा इस इलेक्ट्रोड को दी गई ऊर्जा कितनी हो जाती है, 80 यूनिट। तो ये 80 यूनिट ऊर्जा यहाँ पे नेगेटिव में मिल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन 80 यूनिट ऊर्जा लेके इधर दौड़ के आ रहा है, तो ये दोनों ऊर्जा बराबर हो गए, चूंकि ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो दोनों बराबर हो गए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जिस बैटरी के इस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा और वो इस इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंचेगा उसको बोला जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और चूंकि अब इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंच रहा है तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए ये मिली एमीटर लगा हुआ है या एमीटर लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको करेंट क्या मिल जाएगा, करेंट आपको जीरो मिल जाएगा। समझ में आया, इस एक्सपेरिमेंट में आपको यही करना है कि इलेक्ट्रॉन को रोकना है यानी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ है ये सर्किट में पहुँच रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोड तक पहुँच रहा है तो इसमें धारा बह रहा है, एक फोटो करंट बह रहा है, तो इस मिलीएमीटर में मान लीजिए कुछ करंट आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इस बैटरी का वोल्टेज निगेटिव में बढ़ाएंगे तो इसका वोल्टेज निगेटिव में बढ़ने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर रुकने लगेगा, एक ऐसा वोल्टेज आएगा बैटरी का कि ये इलेक्ट्रॉन एकदम रुक जाएगा और यहाँ ये पहुँचना बंद कर देगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो करंट आपका जीरो हो जाएगा, और जीरो करंट पे जो ये बैटरी का वोल्टेज आपने अप्लाई किया है उसी को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो इसका मतलब हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल के कंडीशन में ये बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा ई वी नॉट ये बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर के। अब आ जाइए, अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देखिए, ये रहा हमारा वन जो मैंने आपको दिखाया था, ये वन और ये टू को देखिए, ये पार्ट हाफ एम वी स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ई वी, यहाँ पे देखिए ये दोनों को देखिए, ये दोनों बराबर हैं तो ई वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से आप वी नॉट का मान निकालिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट ये हो जाएगा एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये इस प्रकार से मैंने अरेंज कर दिया। अब आपको ये इक्वेशन
कैसा दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की तरह दिखाई दे रहा है। तो अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में दरअसल आपको करना क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना होता है अलग 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 आवृत्ति के प्रकाश के लिए, ठीक है। ये अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना होता है और उसका आप ग्राफ बनाएंगे। इस इक्वेशन को देखिए, अगर ये इक्वेशन y में मान लूँ v नॉट को, तो इस एक्सिस पे y पे मैंने क्या लिख दिया v नॉट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स यानी x एक्सिस पे क्या ले लेते हैं फ्रिक्वेंसी, और ये प्लस माइनस c, तो ये जाने दीजिए ये वैसे माइनस c होता है, तो ये इसको नीचे बढ़ाएंगे तो ग्राफ ऐसे आता है। तो ये y एक्सिस पे, ये निगेटिव y एक्सिस पे एक कट यहाँ पे जो लगाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी माइनस एच बाई ई इंटू व्यू नॉट न्यू नॉट। इसको हमें फोकस नहीं करना है, आप जरा सोचिए हमें क्या चाहिए था, हमें तो प्लैंक कांस्टेंट चाहिए था ना। तो यानी अगर मेरे पास मान लीजिए अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है और अलग अलग रंगों के प्रकाश का आवृत्ति पता है, तो मैं यहाँ अलग अलग रंगों के प्रकाश की आवृत्ति और यहाँ पे उन अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था उसका ग्राफ बना देंगे। और इसी ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल लूँ एम अगर मैं ग्राफ से निकाल लूँ तो इन दोनों का तुलना करूँगा तो एम बराबर क्या आ जाएगा एच बाई ई। तो यहाँ से h का मान क्या आ जाएगा m इंटू ई, यानी कुल मिला जुला के अब मुझे अगर प्लैंक कांस्टेंट का मान कैलकुलेट करना है तो आपको इस प्रकार के एक ग्राफ एक्सपेरिमेंट से बनाना होगा, उस ग्राफ का स्लोप निकालना होगा, उसी स्लोप में आप e यानी इलेक्ट्रॉन पे फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का गुणा कर देंगे, सीधे आपका प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि पूरा चीज़ अब इस पे आके फोकस हो गया, तो हमें अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश चाहिए और उन अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे देखिएगा उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में ये फिल्टर दिया रहता है, ये इस प्रकार से ये फिल्टर बना रहता है, तो हमें ये फिल्टर का, ये फिल्टर किस आवृत्ति के प्रकाश को निकालेगा ये मैनुअल में दिया रहता है। मतलब आपके एक्सपेरिमेंट के मैनुअल में ये दिया है कि ब्लू, ये फिल्टर लगाएंगे तो ब्लू रंग की लाइट निकलेगी और उस लाइट का जो तरंग दैर्ध्य है और आवृत्ति दोनों दिया होगा, ये ऑरेंज के लिए है, ये रेड के लिए है और ये ग्रीन के लिए है। तो अब इन चारों, अब इसको लगाना कहाँ पे है, तो ये मान लीजिए मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ से वाइट प्रकाश जाएगा, तो अब मैं मान लीजिए यहाँ पे रेड कलर का ये फिल्टर लगा दिया, तो अब जो है उस मेटल तक कौन सा प्रकाश जा रहा है, लाल रंग का प्रकाश जा रहा है, तो लाल रंग का प्रकाश जाके उस धातु पर गिरा, धातु ने इलेक्ट्रॉन को, रहने दीजिए छाबी, धातु ने इलेक्ट्रॉन को निकाला, वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला है ये इलेक्ट्रॉन वो इस इलेक्ट्रोड की ओर गया और यहाँ पे गया तो आपको यहाँ पे एक क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, लेकिन आपको तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो आप यहाँ से ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से ये वोल्टेज बढ़ाएंगे और वोल्टेज ये बैटरी का आप यहाँ से ये बढ़ा रहे हैं, ये बैटरी, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये यहाँ से लाइट वाइट चला, वाइट लाइट इससे छन गया और लाल रंग का प्रकाश इसमें उपस्थित धातु पे गिरा, उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकला, अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकल गया है तो वो कहाँ पे जा रहा है, इस इलेक्ट्रोड की ओर भाग रहा है, वो इलेक्ट्रोड की ओर जब पहुँच जाएगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक करंट मिलेगा, ये करंट आपको यहाँ पे शो करेगा, ये यहाँ पे इस वाले पार्ट में शो करेगा। अब उसके बाद ये करंट मिल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे और इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव में जब इसका बढ़ाएंगे, एनर्जी देंगे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। अब आपको इस बैटरी का वोल्टेज वी नॉट तक, यानी तब तक बढ़ाना है इसको यहाँ से, ये वोल्टेज ये वाला, जब तक यहाँ पे करंट क्या ना हो जाए, जीरो। जैसे ही करंट जीरो होगा आपका ये वी इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, वी नॉट, और इसी V नॉट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो V नॉट निकल गया ना, देखिए यही इस वोल्टेज पे ये करंट जीरो हो जाएगा, तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट किस रंग के प्रकाश के लिए, लाल, समझ में आया, तो लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति यहाँ लिखेंगे, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आएगा। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे अलग अलग फिल्टर लगा के सेम प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ से ये हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। तो जब ये ग्राफ बन जाएगा तो हम लोग इसका स्लोप यानी प्रवणता निकाल लेंगे, m की वैल्यू ग्राफ से मिल जाएगी, e आप जानते हैं, h का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो एक और यहाँ पे लास्ट में एक और ये टेबल है, इसको देख लीजिए। मान लीजिए आपने अलग अलग रंगों के प्रकाश की आवृत्ति के लिए एक्सपेरिमेंट किया और मान लीजिए रेड कलर का ये आवृत्ति, यहाँ पे देखिए ये रेड कलर के लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया, VOR, ये रेड के लिए आया।
उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे ये ऑरेंज के लिए, ये ऑरेंज कलर की आवृत्ति है जो कि मैनुअल में दिया है, ये गिवन रहेगा शुरू शुरू में, ठीक है, ये इन्हीं फिल्टर का ये होता है और ये गिवन। तो ऑरेंज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लीजिए वी ओ ओ आ गया, और यहाँ पे ग्रीन के लिए मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, और ये क्या है ब्लू के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस प्रकार से आप ये ग्राफ खींच दीजिए, ये ग्राफ आपका बन गया। अब आपको इसका प्रवणता निकालना है, तो प्रवणता के लिए क्या करिए, ये जैसे पहला पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट, इसको मिला के ये एक ट्रायंगल बना दीजिए। तो ये जो एंगल, जो प्रवणता, जो इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस से झुकाव है, वही इसका क्या होता है, प्रवणता होता है। तो ये इसी थीटा का टेन ले लेंगे, तो इसका प्रवणता इस ग्राफ का क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ से टेन थीटा लगाइए तो टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा बी सी, और मतलब लंब और बटे आधार क्या होता है ए बी। तो उसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपको बी सी निकालना है। तो ये देखिए इस एक्सिस पे आइए, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये, और इसमें से ये घटा दीजिए, तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वी ओ ब्लू, ब्लू के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस रेड का घटा देंगे तो केवल इतना बचेगा, और यही इसका क्या है लंब। अब उसके बाद आ जाइए इसमें आपको चाहिए ये इसका आधार ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, जीरो से यहाँ तक ये है न्यू बी ब्लू के लिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक क्या है रेड के लिए, तो इतने में से इतना घटा दीजिए तो न्यू ऑफ ब्लू माइनस न्यू ऑफ रेड ये ए बी आ जाएगा, और ये फ्रीक्वेंसी चुकी है तो ये दिया रहेगा, ये हर्ट्ज में है, तो ये भी मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से दिया होगा, ये इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में निकालेंगे, 10 टू पावर 14 के ऑर्डर का आएगा। तो यहाँ से स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप क्या हो गया, यहाँ से ये फॉर्मूला देखिए, टेन थीटा बराबर क्या है बी सी बटे ए बी, तो बी सी का मान ये रख दीजिए, ये बी सी का मान आया है और ये ए बी का मान आया है, और ये फाइनली आपका स्लोप निकल जाएगा। तो इस स्लोप का तुलना उससे कर दीजिए, ठीक है, ये बताया था ना ये स्लोप बराबर क्या है एच बाई ई है, तो ये स्लोप बराबर ये आ जाएगा एच बाई ई बराबर दिस, और यहाँ से h का मान क्या हो जाएगा। अब इसको अच्छे से पढ़िए इस टेबल को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में यही टेबल काम आएगा। तो h बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ब्लू कलर माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर रेड कलर बटे फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर इनटू e, यही आप निकालेंगे, और ये ओरिजिनल मान होता है प्लैंक कांस्टेंट का, वो इसी के आसपास आएगा। अब हम लोग आते हैं पूरे एक्सपेरिमेंट के स्टेप बाय स्टेप पे, और उससे पहले जल्दी से एक बार फाइल देख लेते हैं, अब ये बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए आपको ये डायग्राम मैंने समझा ही दिया था, और डायग्राम से सर्किट भी जोड़ना बता दिया था, सीधे फाइल देखिए। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑपरेटर्स में आपको फोटो सेंसिटिव डिवाइस चाहिए, वैक्यूम ट्यूब इसी के अंदर है, उस बॉक्स के अंदर लाइट सोर्स, और ये अलग अलग कलर के फिल्टर, और उन कलर्स का देखिए ये यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ दिया है तो वी इक्वल टू न्यू लैम्डा से आप लोग वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी हम मैं डायरेक्ट निकाल के ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख दूंगा। ऑरेंज के लिए वेवलेंथ इतना है, ग्रीन के लिए इतना, ब्लू के लिए इतना नैनोमीटर में है ये, और पावर सप्लाई और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। यहाँ तक फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, फॉर्मूला यूज यही है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ब्लू कलर माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर रेड कलर बटे फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इनटू ई। यहाँ पे ये पूरे टर्म्स दिए गए हैं, ये एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज, वी क्या है वोल्टेज यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन टेबल पे आ जाइए, और इसी ऑब्जर्वेशन टेबल जब ये बन जाएगा तो इसका हम लोग जल्दी से ग्राफ बना लेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ऑन करते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, ये पहले हम रेड कलर का फिल्टर लगाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी ये आपको गिवन है, ये आपके मैनुअल में है, ये आपको नहीं कैलकुलेट करना है, ये रेड की फ्रीक्वेंसी, ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी, ब्लू की फ्रीक्वेंसी आपका दिया रहेगा, और आपको ये फिल्टर के साथ आता है। अब आपको केवल और केवल इन कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए चलिए ऑपरेटर्स पे आते हैं, आप बहुत अच्छे से ये ऑब्जर्वेशन टेबल आप समझ जाएंगे। तो अब देखिए ये मैं ऑपरेटर्स ऑन कर देता हूँ, ये वाइट लाइट अभी जा रहा है, तो थोड़ा मैं ये ब्राइटनेस एक मिनट सेट करना होगा, ये तो पूरा वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। हाँ ओके देखिए आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ये आपका बैटरी द्वारा दिया गया वोल्टेज है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, यहाँ पे ये करंट आ रहा है, तो देखिए इस समय वाइट लाइट पड़ रहा है, तो वाइट लाइट पे तो हमें करना नहीं है, हमें इसमें फिल्टर लगाना है,
ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये अलग अलग रंगों के फिल्टर है, सबसे पहले मैं ये रेड वाला फिल्टर लगाने जा रहा हूँ। तो ये रेड वाला फिल्टर मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, तो जैसे ही देखिए ये रेड वाला फिल्टर मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे देखिए ये रेड वाले फिल्टर के लिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये करेंट मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अभी इलेक्ट्रोड तक पहुँच रहे हैं, तो ये करंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस करंट को आपको इस वोल्टेज को बढ़ा के जीरो करना है, जितने वोल्टेज पे ये जीरो हो जाएगा वही रेड के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ये वोल्टेज बढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए जब व्हाइट लाइट जा रहा था, जब मैंने फिल्टर हटा दिया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा था और इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा आ रहे थे तो करंट भी ज़्यादा था, पर जैसे ही मैंने रेड का फिल्टर लगा दिया अब थोड़ा करंट कम हो गया है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन टोटल रोकना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे इलेक्ट्रोड पे। तो इसको देखिए मैं अब ये वोल्टेज बढ़ाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा वो 0.00 अभी 7 है, ये वोल्टेज मैंने बनाया। तो देखिए करंट कितना हो गया 0.03, मैंने शायद दो बार जीरो बोल दिया था, सॉरी। अब ये 0.03 एम्पियर है, देखिए इसमें 0.02 एम्पियर हो गया और इसको ज़ीरो करना है। तो अभी देखिए ये वोल्टेज कितना हो गया 0.115, ये थोड़ा सा कट रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप देख लीजिएगा। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे करंट क्या हो गया, ज़ीरो करंट, ज़ीरो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हाँ ये देखिए ये करंट हमारा क्या हो गया, इतने पे बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि इतने पे करंट, इतने वोल्टेज पे करंट ज़ीरो हो गया है, तो इसका मतलब यही वोल्टेज हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये वोल्टेज यहाँ पे 0.157 आ रहा है, तो रेड कलर के लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.157 आ रहा है, इसको हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से हम लोग ये फाइल में मेंशन कर देंगे, लेकिन ये फाइल में जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पहले किया था उसमें इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.196 आया था, तो हम अभी इसी पे कैलकुलेशन इसी पे करेंगे, बस आप समझ लीजिए। अच्छा ये चेंज क्यों हो रहा है, वो चेंज इसलिए होता है क्योंकि ये जो बॉक्स है जिससे लाइट निकल रहा है और वो जो बॉक्स है जहाँ पर फिल्टर लगाया गया है जिसमें मेटल है, उनके बीच की दूरी अगर बदलेंगे तो वो बदल जाएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट करते समय अगर आपने दूरी फिक्स कर दिया है तो सभी कलर के फिल्टर के लिए आप दूरी को नहीं बदलेंगे, ठीक है। वो भले ही बदले फिर सबका बदलेगा, लेकिन इस हिसाब से बदलेगा कि आपका आंसर नहीं बदलेगा। आप एक ये नहीं कर सकते कि लाल फिल्टर के लिए एक दूरी पे इनके बीच का डिस्टेंस कर दिए, फिर जब अगला फिल्टर आपने ब्लू वाला लगाया तो इस लाइट सोर्स को पीछे खींच दिया या आगे बढ़ा दिया, नहीं तब गलत हो जाएगा। आप जो भी डिस्टेंस फिक्स कर रहे हैं उतने पे सभी फिल्टर का करना है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.156 आ रहा है, इनका 0.196 आ रहा है, तो इसमें केवल अंतर इतना रहा होगा कि इन्होंने लाइट सोर्स को उसके और पास रखा होगा और इनके बीच की दूरी कम रही होगी, जिसके कारण हमें थोड़ा सा ये और वोल्टेज बढ़ाना पड़ा था करंट को जीरो करने के लिए। तो ठीक है मेरा कम आया है, कोई बात नहीं, फिर सबके लिए देखिएगा कम आएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, फिर ये सबके लिए कम आएगा। तो चलिए अब हम लोग फिल्टर बदल के देखते हैं सब स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। तो अब मैं जो फिल्टर लगाने जा रहा हूँ वो है, नेक्स्ट फिल्टर है ऑरेंज। तो ऑरेंज लगाने से पहले फिर से इसको जीरो पे कर दीजिए वोल्टेज को, और ये मैंने रेड फिल्टर हटा दिया और अब ये ऑरेंज फिल्टर मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये जो मेटल है उसमें ऑरेंज लाइट जा रहा है, तो ऑरेंज लाइट जा रहा है, तो अब यहाँ पे आप फोकस करिएगा, ये देखिए यहाँ पे फोकस करिए। तो ऑरेंज के लिए अभी वो कितना करंट है, 0.91 एम्पियर, अब इसको हमें जीरो करना है, तो अब ये मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने वोल्टेज बढ़ाया और देखिए वहाँ पे करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये करंट लगभग ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये कितने पे आ रहा है, ये मेरा आ रहा है पॉइंट, ये थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग जब इसको देखेंगे तो ये देखिए ये 0.356 या 355 पे ये हमारा अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अब ये फाइनली देखिए ज़ीरो हो गया 0.369 पे, पर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसमें देखिए इनका ऑरेंज के लिए कितने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था, इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑरेंज के लिए कितना आया था 0.412। तो मैंने बोला ना जब ये कम हुआ तो सब कम हुआ होगा, यानी मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसमें मैंने इनके तुलना में थोड़ा सा ये मेटल और सोर्स के बीच की दूरी ज़्यादा बढ़ा दी है, जिसके कारण मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आ रहा है। तो कम आ रहा है तो सबका कम आएगा उसी रेशियो में, ठीक है। तो ऑरेंज के लिए हम लोग अपने रीडिंग के अनुसार 0.369 मेंशन करेंगे, इनके रीडिंग के अनुसार क्या है 0.412, तो कोई बात नहीं, ये इसी से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। अब हम जल्दी से अगला फिल्टर लगा देते हैं, तो इसके लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, ज़ीरो, और अगला फिल्टर जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का फिल्टर, तो ये मैंने ऑरेंज हटा के यहाँ पे ये ग्रीन कलर का फिल्टर लगा दिया। तो अब देखिए ग्रीन कलर के लिए ये आपका इतना
यहाँ पे बता रहा है करंट। अब इस करंट को मुझे जीरो करना है, तो देखिए अब मैं यहाँ पे ये जीरो करने के लिए ये मैं वोल्टेज बढ़ाने लगा, तो ये देखिए ये वोल्टेज ये बैटरी का मैं बढ़ा रहा हूँ और ये यहाँ पे ये देखिए जीरो हो गया। कितने पे जीरो हुआ है? 0.522 वोल्ट पे करंट जीरो हो गया है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा 0.522 होगा। इनका ऑरेंज के लिए 0.568 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग लास्ट में जल्दी से ब्लू वाला फिल्टर बदल देते हैं, तो यहाँ पे उससे पहले इसको जीरो करिए फिर से। ये मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला फिल्टर ये हटा दिया, और ग्रीन वाला फिल्टर हटाने के बाद ये फाइनली मैंने ब्लू फिल्टर लगा दिया। तो ब्लू फिल्टर के लिए देखिए आपका करंट कितना मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 4.8। अब इसको जीरो करना है, तो चलिए इसको मैं बढ़ाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये करंट ज़ीरो की ओर हो रहा है और ये फाइनली ज़ीरो हो गया। कितना? 0.714 पे। इनका कितने पे हुआ था? इनका देखिए ब्लू के लिए इनका जीरो हुआ था 0.752 वोल्ट पे, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग ये चार हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिए। बस एक्सपेरिमेंट में बस आपको इतना ही करना था। अब कैलकुलेशन जल्दी से देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन से पहले वैसे इस डाटा का आपको ग्राफ भी बनाना है, तो देखिए ग्राफ में यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये ब्रैकेट में 10^14 हर्ज़ दिया है। देखिए ये इसका ये मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ये आप ग्राफ बना लीजिएगा, ये 1, 2, 3, 4 यानी एक बड़ा बॉक्स जो है यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा 0.5 × 10^14 हर्ज़ का है। वाई एक्सिस पे 0.005 वोल्ट, यहाँ पे देखिए ये 0.005, तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। ग्राफ मेरे ख्याल से आपको बनाने आता होगा, नहीं आता है तो आप मेरे ही चैनल पे एक पीएन जंक्शन डायोड का वीडियो इसमें देख लीजिए, मैंने बताया है कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। वो ग्राफ आप बनाना उस वीडियो से बहुत अच्छे से सीख लेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के वीडियो से। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से आप ग्राफ बना दीजिएगा, ठीक है। बिना ग्राफ के भी कैलकुलेशन हो जाएगा, पर ये आपको इस प्रकार से ये ग्राफ आपको बनाना है। ये अलग अलग रंगों का यहाँ पे आप ले लीजिएगा, ये आवृत्ति है और ये अलग अलग रंगों का क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जैसे इस फ्रीक्वेंसी पे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये, तो ये चार ही आपको पॉइंट मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, और ये इस प्रकार से आप ग्राफ बना दीजिएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं ग्राफ के बारे में इसमें नहीं बता रहा हूँ। आई होप आपको ग्राफ बनाने आता होगा, नहीं आ रहा है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे ही चैनल पे कई वीडियो हैं जिनमें ग्राफ है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड का वीडियो देख लीजिए, उसमें ग्राफ बनाना सिखाया गया है कि कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ आप लोग इस प्रकार से बना दीजिएगा, डाटा का मिला लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे 4.65 है, तो ये 4 है, ये बीच में 4.5 होगा, 4.65 पे ये एक पॉइंट हो गया, और उस पर कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल है? 0.196, यानी ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? ये 0.196 हो गया इस प्रकार से, ठीक। ये ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाइए सीधे कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला देख रहे हैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ब्लू माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ आर, तो ये ब्लू का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है 0.752 माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ आर 0.1। अच्छा सॉरी, इसमें पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान मैं ये समझ रहा था 0.196, पर ये एक्चुअल में 0.186 है, ठीक है। ये मुझे ये 9 लग रहा था, इन्होंने जिस हिसाब से लिखा है, तो ये 0.186 है, तो ये माइनस 0.186 बटे यहाँ पे देखिए। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू 6.06 × 10^14 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, तो 4.65 × 10^14 ये फ्रीक्वेंसी आपका दिया है मैनुअल में, ये दिया रहेगा आपके एक्सपेरिमेंट में, ये नहीं कैलकुलेट करना है। इनटू ईई का मान 1.6 × 10^-19 कूलाम, इसको आप कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेशन मैंने वेरीफाई किया है, आप कैलकुलेट करिएगा, ये आंसर आएगा 6.422 × 10^-34 जूल इनटू सेकेंड। समझ में आया? आप सोच रहे होंगे बाकी दो डाटा का तो यूज ही नहीं हुआ कैलकुलेशन में, आप कर सकते हैं। आप स्लोप निकालते वक्त रेड और ऑरेंज भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ऑरेंज माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर रेड बटे यहाँ पे हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑरेंज माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। किसी भी कलर के लिए आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ग्रीन और ब्लू में बनाना है, तो यहाँ पे देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ब्लू माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन बटे फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन इनटू ई, सब में आंसर लगभग इतना ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, और ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसके काफ़ी करीब आया है, 6.62 × 10^-34 जूल सेकेंड, और ये 6.422 × 10^-34 जूल इनटू सेकेंड आ रहा है, ठीक है।
तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। और लास्ट में आप यहाँ पे रिजल्ट मेंशन कर दीजिए, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। और यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस मेजर कर दीजिएगा, जैसे डिस्टेंस बिटवीन फोटोसेल, नहीं यहाँ पे ये एलईडी लाइट, फोटोसेल फोटोसेल मेटल मेटल बॉक्स, इनको फोटोसेल बोला है इन्होंने, तो मेटल बॉक्स एंड लाइट सोर्स शुड बी कॉन्स्टेंट थ्रू द एक्सपेरिमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी था, लाइट सोर्स मस्ट बी अरेंज केयरफुल्ली, सेट द लाइट इंटेंसिटी नियर टू द मैक्सिमम, कनेक्शन शुड बी डन प्रॉपरली। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आपका ये प्रिकॉशन हो गया, ये एक्सपेरिमेंट ये पूरा हो गया। ये फाइल का दूसरा पन्ना है, और ये फाइल का ये पहला पन्ना था, और यहाँ पर ये डायग्राम था, और इसका ये जो था ये इसका ग्राफ पेपर था। ठीक है, तो आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।